हेलो दोस्तों, आज हमारे सामने है फार्म ट्रैक 60 एपीआई पावर मैक्स जो क्लासिक प्रो T20 स्पीड गियरबॉक्स के साथ होने वाला है और ये ट्रैक्टर F41 का है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इस ट्रैक्टर की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ। वारंटी प्राइस भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस होने वाली है। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रंट की बात करें तो आगे आपको फ्रंट में फार्म ट्रैक एंड पावर मैक्स और नीचे क्रोम थोड़ा और दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो, और नीचे 60 भी यहाँ पर क्रोम के अंदर लिखा हुआ देखने को आपको, ऐसा कुछ आपको आगे का डिजाइन देखने को मिल जाता है। ये कंपनी फिटेड फ्रंट पर एंड आगे हुक की यहाँ पर सुविधा दी गई आपको, जिससे कि इस ट्रैक्टर को आप वो भी कर सकते हो और दूसरे ट्रैक्टर को किसी को खींचना हो तो उसको भी आप आसानी से खींच सकते हो। फ्रंट एक्सल की बात करें तो आपको एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल देखने को इस ट्रैक्टर में मिल जाता है। एंड आगे वाली जाली की बात करें तो आपको ब्लैक कलर में आगे वाली जाली देखने को मिल जाती है। एंड लाइटिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर देख सकते हो LED विद हैलोजन बल्ब का यहाँ पर सेटअप देखने को मिल जाता है। आपको रात में कहीं भी यह दिक्कत नहीं करने वाला, बड़ी लाजवाब इस ट्रैक्टर में लाइट आपको देखने को मिल जाती है। बिक्री की बात करें तो आपको 60 एपीआई फार्म ट्रैक और पावर मैक्स ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है एंड क्लासिक प्रो T20 स्पीड गियरबॉक्स इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलता है, वो भी आगे डिस्कस हम करने वाले। पावर स्टीयरिंग की बात करें तो आपको डुअल एक्टिंग इस ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग देखने को यहाँ पर मिल जाता है। और इस ट्रैक्टर में क्लीनर की बात करें तो आपको ऑयल बार टाइप वाला एयर क्लीनर देखने को यहाँ पर मिल जाता है। एंड एग्जॉस्ट की बात करें तो आपको ऐसा कुछ इस ट्रैक्टर का एग्जॉस्ट देखने को यहाँ पर मिल जाता है, जिसपे की लिखा हुआ है HOT, यानी कि सेफ्टी गार्ड भी दिया हुआ आपको मिलता है। और इस ट्रैक्टर में पंप की बात करें तो आपको टैंडम पंप देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं, एक तुम्हारा हाइड्रोलिक के लिए हो गया, एक हमारा पावर स्टीयरिंग के लिए हो गया, यानी अलग अलग यहाँ पर पंप दिए गए हैं ताकि मेंटेनेंस का खर्च बहुत ही कम हो और जल्दी से खराब ना हो, इसलिए टेंडर पंप दिया जाता है। टायर साइज की बात करें तो फ्रंट वाला टायर आपको 7/16 का एंड रियर टायर की बात करें तो आपको 14/28 का रियर वाला टायर आपको देखने को मिलता है। बात करते दूसरी साइड से लुक की तो ऐसा कुछ आपको लुक देखने को मिल जाती है, जो आपको दूसरी साइड में स्टिकर दिए गए वही स्टिकर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। देख सकते हो फार्म ट्रैक पावर मैक्स EPI क्लासिक प्रो T20 गियरबॉक्स ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बात करें ट्रैक्टर के इंजन की तो आपको 3 सिलेंडर इंजन 55 HP कैटेगरी के साथ 3514 cc का इंजन देखने को यहाँ पर मिल जाता है। इंजन रेटेड RPM की बात करें तो आपको 1850 इंजन रेटेड RPM एंड टॉर्क की बात करें तो आपको 240 Nm का टॉर्क मिल जाता है। PTO पावर की बात करें तो आपको 49 HP की PTO पावर इस ट्रैक्टर में देखने को मिलती है। इस ट्रैक्टर की कूलिंग सिस्टम की बात करें तो आपको वाटर कूलेड इंजन देखने को यहाँ पर मिलता है और ऐसे कुछ आपको टेल लाइट देखने को मिल जाते हैं LED वाले। एंड यहाँ पर भी एक स्टिकर आपको देखने को मिलता है 55 HP का। पीछे की लुक की बात करो तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हो पीछे की लुक कैसे निकल कर आ रही है। मुझे तो ये पीछे से बहुत ही मस्कुलर सा लग रहा है, एक बार आप चेकआउट करके मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में आपको कैसा यहाँ पर लग रहा है। पीछे की बात करें तो आपको एक वोटर होल्डर एंड एक जस्ट सीट के पीछे आपको रिफ्लेक्टर देखने को यहाँ पर मिल जाता है। एंड नीचे एक और सॉकेट दिया जाता है, जो अपनी ट्रॉली वगैरह में कोई भी लाइट एक्स्ट्रा लाइट लगानी हो तो आप इजीली लगा सकते हो। टॉपलिंग में होल की बात करें तो आपको 3 होल देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं, जिससे कि आप को मिट्टी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। पीछे वाले हुक की बात करें तो आपको एडजस्टेबल पीछे वाला हुक कंपनी फिटेड देखने को यहाँ पर मिल जाता है। ओवरी वॉल की बात करें तो आपको 2 ओवरी वॉल कंपनी फिटेड देखने को यहाँ पर मिल जाती है, एंड जिसका कि यहाँ पर लीवर आगे आपको हाइड्रोलिक के पास मिलने वाला है। बात करें टूल बॉक्स की तो आपको मेटल का टूल बॉक्स दिया गया है। पीछे वाले लाइट की बात करें तो ऐसी कुछ आपको पीछे वाली लाइट देखने को यहाँ पर मिल जाती है, जिसका कि बटन इसके ऊपर ही माउंट किया गया है। लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 2500 kg की लिफ्ट कैपेसिटी देखने को मिलती है। चलिए अब इस ट्रैक्टर के ऊपर आपको चढ़कर मैं दिखाया था। सबसे पहले आपको यहाँ पर कंपनी फिटेड मैट देखने को मिल जाते हैं एंड हीट गार्ड और एक फुटस्टेप दिया गया है नीचे, जिसकी मदद से आप ऊपर चढ़ सकते हो आसानी से। देख सकते हो मैं इसके ऊपर चढ़कर आपको दिखाता हूँ कैसा क्या कुछ आपको व्यू मिलने वाला है चढ़ने के बाद। तो देख सकते हो पीछे का व्यू कुछ ऐसा मिलने वाला है, आगे का व्यू कुछ ऐसा मिलने वाला है। इस ट्रैक्टर में क्लच की बात करें तो डुअल क्लच का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। एंड ब्रेक की बात करें तो OIB ब्रेक यानी ऑयल इंडस्ट ब्रेक इस ट्रैक्टर में आपको ऑफर किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल की बात करें तो आपको ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल दिए गए हैं, एक बार इसको आप चेकआउट कर सकते हो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गियर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर 16 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। एक तो हमारा गियर हो गया लो हाई का, एक गियर और देखने को यहाँ पर मिल जाता है लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर लिखा हुआ है बुल एंड हॉर्स का यहाँ पर साइन दिया गया है, जिसकी मदद से यहाँ पर कुल मिलाकर 16 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स इस ट्रैक्टर में गियर हो जाते हैं, यानी T20 ट्रैक्टर पूरा यहाँ पर हो जाता है। एंड राइट साइड में आपको IDDC हाइड्रोलिक कंट्रोल देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। बात करें इस ट्रैक्टर की प्राइस एंड वारंटी की, वारंटी बात करें तो आपको 5000 घंटे एंड 5 ईयर की इस ट्रैक्टर में वारंटी देखने को यहाँ पर मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो आपको 8,40,000 से लेकर आपको 9,30,000 तक आपको ट्रैक्टर मिल सकता है, वो आपके स्टेट एंड जिले वाइज डिपेंड करता है। इसकी ट्रैक्टर की आपको एग्जैक्ट प्राइस जाननी है तो आपके स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे होंगे, उस नंबर पर फोन करके आप इजिली उनसे पूछ सकते हो इस ट्रैक्टर के बारे में। डेमो वगैरह आपको चेक करना है लेना है तो मैंने इस एजेंसी की लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप इजिली जाकर उनसे डेमो वगैरह इस ट्रैक्टर का ले सकते हो। तो यही थी वीडियो, अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना और
और किसी ट्रैक्टर पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करें।